कहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अंबिका भवानी कष्ट हरण वाली माता, दुख हरण वाली माता, वो कष्ट हरण वाली माँ शक्ति स्वरूपा, कष्ट हरण वाली माँ शक्ति स्वरूपा। दोस्तों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत के साथ मैं आपके बीच फिर से। और मौसम आज आसमान में बादल लगे हुए हैं और बारिश आ रहा है, और खेत देख सकते हो बारिश की वजह से और भी रंगत आ गई है इन खेतों में। और बरखा रानी ने भी आज सप्ताह के चौथे दिन में अपना पूरा योगदान दिया। और बरखा रानी ने शुभ कदम पर अपने पद चिन्ह रख कर और आज हमारे खेत खलियान और चारों तरफ, कल तक देख रहे होंगे आप वीडियो में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था और आज थोड़ा क्लियर दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। और इसी के साथ मैं निकला पुल की तरफ सप्ताह सुनने के लिए, चतुर्दिवस के सप्ताह में और श्रीमद् देवी भागवत कथा में इसी के साथ। और आज काफ़ी भीड़ भी होगी शायद बारिश की वजह से, लोग बाग भी ज़्यादा आए होंगे। और इसी के साथ हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे भूम्या देवता जी के मंदिर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड के साथ। जो भारत देश के लिए मरता है, मेरी भारत भूमि के लिए मरता है, वो व्यक्ति या स्त्री और पुरुष वो महान है मेरे भाई, उसको हम नमन करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। मेरा
मेरे भाई बहन, ये भारत जून जहाँ हमारा जन्म है ना, कितने सौभाग्यशाली है। देश की सेवा के लिए मर जाता है वो परम धाम को जाता है। कोई अनशन अच्छे काम के लिए जो एक अनशन में जाकर के जो है मर जाता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। पर तुम्हारे पिता ने न तो धर्म किया न कोई ऐसा कर्म किया, तुम्हारे पिता को तक्षक नाग ने रख लिया है। अरे क्यों नहीं नागों को भस्म कर दो, जो नाग जितने यहाँ सब मार डालो। जब ये कहा ठीक हुआ, यमुना के तट पर, गंगा के तट पर मंडप बनाया और उपंग ऋषि को जाकर के होता बना करके जन्मेजय ने जो है सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ मेरे भाई बहन, तो एक एक सर्प आकाश मार्ग से जाकर के जो है जन्मेजय की आग में टपाटप गिर रहे हैं। जो है समाज तक्षक नाग जिसने पिता को डसाता वो जो है इंद्र की शरण में चले गए। इंद्र से कहा प्रभु बड़ी विपत्ति आ गई, मुझे बचा लो। इंद्र ने अपने आसन के नीचे उनको बिठा दिया, उनका बस निर्भय रहो, कोई चिंता मत करो। अब जाकर के जो है जब आगे सर्प सर्प भस्म हो गए, तक्षक नाग नहीं आया। उत्तंग ऋषि से कहा महाराज आपने यज्ञ करवाया, जिसने मेरे पिता को डसा था वो तो आई नहीं, वो है कहां? ध्यान किया उत्तंग ऋषि ने, ओ वो तो इंद्र के आसन में पहुंच गया है। वह उत्तंग ऋषि ने कमंडलू से जल निकाला मेरे भाई बहन, ऐसा आवाहन किया कि इंद्र का आसन से जो है जो उसके याग में आ गया, आकाश मार्ग से आ गया। जब इंद्र ने देखा ओ यहाँ तो गरज की आग जल रही है, उन्होंने तक्षक नाग को छोड़ा, इंद्र तो गए, तक्षक नाग आ रहा है धीरे धीरे करके जो है, जिसने पिता को डसा था जन्मेजय के पिता को जो है। जैसे ही आया इतने में ही जरूरतार के पुत्र जो है आस्तिक ऋषि आ गए। इसकी कथा बताओ, मैं आस्तिक थे कौन, सर्प डसने में क्या करना चाहिए मेरे? कौन था ये जरूरतार? उन्होंने जन्मेजय को समझाया महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये याग आप अच्छा नहीं कर रहे, मेरे समझ से यज्ञ बंद कर दो। उन्होंने कहा तो मेरे पिता को तक्षक नाग ने डसा, उसे कैसे छोड़ दूंगा, मेरे पिता को तो तक्षक नाग ने डसा है ना, मैं कैसे छोड़ दूं उसे जो। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम तुमको जाकर के जो है श्रीमद देवी भागवत की कथा बताएंगे, तुम्हारे पिता को मुक्ति दिलवा दूंगी। उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया जलकार ऋषि के कहने पर और महाभारत सुनाया, और शांति के लिए व्यास जी महाराज जी ने जाकर के श्रीमद देवी भागवत का शुभारंभ जाकर के जो है जन्मेजय को सुना रहे हैं। बेटे किसी का जाकर के हित होकर के अपना हित नहीं होता है। राम कहे भला होएगा नहीं कर भला हो। बेटे किसी का जो है भला करने से भला होता है, गलत करने से कभी किसी का भला नहीं होता है। उन्होंने कहा जन्मेजय कह रहे हैं जो है व्यास महाराज जी आए हस्तिनापुर में, उन्होंने कहा ये जरत्कार क्यों आ गया बीच में मेरे, ये था कौन, कहां से आया? कह रहे बताओ भी कौन है ये जरत्कार, तेरा यज्ञ बंद क्यों किया, किसका बेटा है? कहते हैं मेरे भाई बहन जाकर के जरत्कार ऋषि हुए जो है उन्होंने गृहस्थाश्रम नहीं किया था। एक बार उनको जाकर के पितरों ने कहा बेटे हम इतने नरक में तो हम पड़े, बेटे शादी कर ले नहीं तो ये दशा तेरी भी होगी। जरत्कार ने कहा मेरे पितरों यदि मेरे नाम वर्ण वाली कोई जाकर के स्त्री मिल जाए तो मैं शादी तब करूंगा, नहीं तो मैं नहीं, मेरा का नाम जरत्कार है ना, मेरी स्त्री का नाम भी जरत्कार होना चाहिए, तभी शादी होगी। जरत्कार तीर्थ यात्रा के लिए ही निकल गए। कद्रु और विनीता ये कश्यप ऋषि की स्त्रियां बताई गई है, ये दोनों कद्रु और विनीता। कद्रु क्या है सर्पों की माता है और विनीता गरुड़ की माता है, सर्प और गरुड़ की कभी बनती नहीं है। मन में विचार आया
एक दिन अब ये कद्रु की दोनों पत्नी जाकर के जो कश्यप ऋषि की पत्नी आए, इन्होंने दोनों जाकर के जो है एक दिन शर्त लगा दी। कद्रु ने विनीता से कहा, विनीता तेरी और मेरी एक शर्त रहेगी। अर्जुन ने कहा, ये जो सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं साथ, ये किस वर्ण के होता है? कद्रु कह रही है विनीता से, विनीता बड़ी शांत स्वभाव वाली है, उन्होंने कहा बहन चलो मैं सच बता दूंगी तो शर्त क्या रहेगी। उन्होंने कहा यदि तू जीत गई तो कंधे में बिठा करके जहां कहूं वहां जो है घुमाना पड़ेगा, मंजूर है? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, ये किस रंग के हैं? गरुण की माँ विनीता थी, विनीता ने कहा जाकर के जो है यदि बहन तुम मुझसे पूछती है तो ये जो सूर्य नारायण के घोड़े जो है सफेद वर्ण के हैं, सफेद है ये साफ जो तू बता। उसने कहा सफेद नहीं है कद्रु ने, उन्होंने कहा ये काले हैं। वाजीवा उन्हें कहा काले कैसे हुए, सूर्य नारायण के रथ में तो सफेद घोड़े लगे रहते हैं, तू काला कह रही। उन्हें कहा शर्त लगा ले, यदि काले नहीं हुए तो मैं तेरी दासी, यदि सफेद हुए तो जाकर के जो है मैं तेरी दासी, यदि काले हो तो तू मेरी दासी, और जहां कंधों पर बिठा कर कहूंगा वहीं ले जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, शर्त तो लग गई। कद्रु ने अपने सर्पों से कहा बेटे जल्दी जाओ, सूर्य नारायण के रथ को जो है जो घोड़े ने उनको काला बना दो, सब लिपट जाओ। सर्प जितने थे वो गए, उन रथों को काला बना दिया, जो शेष जाकर जिन्होंने कहना नहीं माना वो दबे जाके आग में भस्म हो गए। अब वहां गए, विनीता ने देखा घोड़े काले, उन्होंने कहा मैं आज देख रहा हूं कि सूर्य नारायण के घोड़े जो है काले होते हैं, पर थे तो सफेद। अब क्या करती बताओ, दासी भाव स्वीकार करना पड़ा विनीता को, झूठ बोल दिया कद्रु ने। अब क्या है, कद्रु अपनी बहन से कह रही है जाकर के जो है हे बहन विनीता मेरा मन दिल्ली घूमने को कर रहा है, तो उन्हें कहा क्या करूं कंधे पर बिठा दिल्ली ले जाए। लो जी अब बिठाया कंधे पर दिल्ली, दिल्ली घुमा, और विनीता से कहा अब मेरे को दिल्ली से भी इच्छा पूर्ण हो गई, अब मुझे जाए मुंबई ले जाए, मुंबई तो देखो वहां की चाल पाल। अब क्या करें, जो दासी बनी है ना, वचनों से बद्ध है, उठाया कंधे पर जाकर के जो है बंबई वहां घुमाया, वहां समुद्र के तट पर जो है जब घूम रहे थे तब जाकर के जो है गरुण को अपनी माता का याद आया, आया अपने माँ के पास, माँ रोई उसके सामने, उन्होंने कहा माँ तू रो क्यों रही है, तेरा बेटा अभी ये गरुण जीवित है ना, ये किस काम का है, यदि ये बेटा तेरे काम नहीं आया तो माँ को जो है जन्म देना, पुत्र को जन्म देना बेकार है, जन्म देना बेकार है, यदि जो बेटा अपने माता पिता की सेवा न करे तो उसको जन्म क्यों दिया, फिर बताओ, इससे तो माता का भाग्य रहना अच्छा है, बेकार है। उन्होंने कहा जाकर के जो है मैं दासी भाव में हूं और मैं कैसे छूटूंगी, तो बस क्या था मेरे भाई बहन, विनीता ने कहा तो अपनी माँ को मना ले, यदि वो मान जाती है तो फिर मैं दासी भाव से छूट जाऊंगी। कद्रु को बुलाया, माँ को प्रणाम किया गरुण के जो है विनीता के पुत्र गरुण ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ जो है ना वो छूटेगी कैसे दासी भाव से बता, इसका कारण क्या रहेगा। उन्होंने कहा स्वर्ग में जो अमृत का घड़ा है यदि जाकर के तू उनको लेकर के मेरे पुत्र जो जीवित जिन्होंने काले बना दिए थे घोड़ों को जाकर के जो सर्पों को पिलाने तो तेरी मां दासी भाव से छोड़ दो। शर्त बड़ी कठिन थी, बस क्या था, गए स्वर्ग पर विनीता जो है गरुण, वहां अमृत का कलश लेकर के आए और कद्रु को दे दिया, कद्रु ले अब मेरी माँ दासी भाव से छूट गई। उन्होंने कहा छूट गई, अपने पुत्रों से जाकर के इंद्र आ जा क्या हुआ, ऐसा कहा
और जाकर के वहां पर कुसा बिछाए थे, अमृत का घड़ा जो है वहां पर रख दिया। पुत्रों से कहा बेटे जाओ नहा के आओ, फिर जाकर के अमृत पी लो, अजन्म हो जाओगे। जब वो जैसे नहाने गए, इंद्र भगवान को पता चला कि कलश जो है मृत्युमंडल में चले गया, और आए कलश को ले गए। जब तक जाकर के कद्रु के पुत्र सर्प जो आते थे उससे पहले ही कलश स्वर्ग चले गया, और अब वो कुसा को चाटने लगे, इसकी कोई भुवनेश्वर पड़ी होगी, तो जाकर के जो है सर्प जो है उसके दो दो जीव होने लगे। इस वास्ते कहते हैं सर्प के दो जीव होते हैं, कट गई आगे करके सर्प। इसी वास्ते संकल्प में कुसा को लगाया जाता है, कुसा से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। जो यहाँ पर यजमान जी का संकल्प लिया जाता है सुबह, कुशा होती है। तिल से यमराज जी प्रसन्न होते हैं, जौ से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और जल से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जब ये चारों को रखा जाता है तब संकल्प लिया जाता है। इस गोत्र का व्यक्ति ये शुभ काम कर रहा है, ये पवित्र मान लिया। और जिस यज्ञ में कुशा का संकल्प न हो वो यज्ञ ही नहीं। इतने में ही वासुकी आदि नाग जो है ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे आए नाग यहां? उन्होंने कहा जाकर के प्रभु मुझे यज्ञ में बचाएगा कौन, कौन होगा बचाने वाला? उन्होंने कहा जाओ अपनी जो तुम्हारी एक बहन है ना जरदकारु, वो जरदकारु ऋषि को दे दो, और उसी के गर्भ से जो तुम्हारा जाकर भांजा होगा वो आस्तिक होगा, वही जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम वही बच पाओगे। नहीं को नहीं ठीक हो गया। लौट के आए नाग और जरदकारु ऋषि के आश्रम पर गए, प्रणाम किया। उन्होंने कहा हम अपनी बहन वासुकी नाग ने कहा हम अपनी बहन आपको देना चाहते हैं संत जो है। उन्होंने कहा मेरी नाम वाली होगी तो तभी विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसका नाम भी जरदकारु था, नाग की बहन का नाम। ठीक हो गया। उनका एक शर्त है मेरी, यदि तेरी बहन ने कभी मेरे वचनों का जाकर के पालन नहीं किया तो उसी दिन मैं से छोड़ दूंगा। ये समझ लेना, पहले शादी उससे पहले शर्त स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं होगी महाराज, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि जाकर के मेरी बहन कोई गलती करेगी? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहन गलती नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं करे तो बढ़िया। जगतकारु ऋषि की और वासुकी नाग जो था जिसमें डसा हुआ था उसने अपनी बहन की शादी जाकर के जगतकारु ऋषि से करवा दी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई नहीं, शादी हो गई, बड़ी सेवा करती थी, और एक दिन क्या हुआ, रविस्ताया गृह प्रातः संध्या कालम उपस्थिते किंकरो में जमे शांति जन्मे आवादितम पुनः। जरदकारु ऋषि ने भोजन किया, अपनी पत्नी जरदकारु से कहा मैं सो रहा हूं और मुझे जगाना मत, मैं कब जगूं कैसे जगूं ये तू जान ले, पर मुझे जगाना नहीं। प्रातः काल सूर्य नारायण उदय संध्या काल हो गया, और कहते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में संध्या काल में दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, संध्या काल में जाकर के जो है मेरे भाई बहन झगड़ा नहीं करना चाहिए, संध्या काल में कभी देहली पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी उठ करके चली जाती है, दरिद्री हो जाता है। संध्या काल में सोने वाले व्यक्ति को क्या अधिकार है, जब मरेगा तो अजगर की ओर नहीं जाता, अजगर की ओर नहीं जाना था तो दोस्तों झगड़ा नहीं करना चाहिए। संध्या काल में अपने घरों में दिया बत्ती होनी चाहिए, घंटी घड़ियाल बजना चाहिए, और संध्या काल में जाकर के जो देहली पर न बैठे और बाल फैला करके ना बैठे। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को कभी भी हो ना सर ढक के रहना चाहिए, ये हमारी सनातनी पद्धति है। और अपने जो सौभाग्य को जो है बरकरार रखने के लिए अपना पूरा श्रृंगार होना चाहिए, तो तब तो वो सौभाग्यवती रह सकती है।
आजकल तो अब बड़ा मुश्किल हो गया ना। पहले टीका हमारे जो बुजुर्ग माता है ना, वो यहाँ से लगाती थी। किस लिए लगाती थी याद है जी? कि हमारा पति जितने हमारी जो है ये मांग जो है पूरी रहेगी ना, हमारे पति की आयु उतनी दीर्घायु रहेगी। आज ये सब छूट गया है। पंडित जी भी थोड़ी तिलक लगाने में ही सकते हैं, कहीं यहीं से लगाते कोई। उन्हें का रक्षण नाग बच पाया जो है। तो कहते हैं जो आस्तिक 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 तीन बार सर्प के डसने पर यह शब्द कर देता, उसका जहर जो है वही रुक करके वो जो है जाकर के जो है वही समाप्त हो गया। जब ये कहा प्रसन्न हो गए, भक्ति पूर्वक जो है जन्मेजय के याग में आस्तिक ने आकर के अपने मामा को बचाया और देवी भाकर के याग में जो है व्यास महाराज जी हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर आकर के जो है जन्मेजय ने प्रणाम किया, प्रभु मेरे पिता की सदगति कैसे होगी आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा अब ऐसा करो, 9 दिन तक श्रीमद देवी मखन पिधाने न कृपा पार्थिव सप्तम और 9 दिन तक देवी भागवत कथा का श्रवण करो तो तुम्हारे पिता को दिव्य गति प्राप्त हो जाएगी। और मैं तुमको सुनाता हूं जो संसार करने वाली एक दिव्य औषधि है श्रीमद देवी भागवत, जिसमें आप बैठे यही में साथ जाएगा मेरे भाई। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, साथ और जाने वाला कुछ नहीं है। आपका धर्म अपना कर्म अपना जो है पुण्य किया हुआ ही वो परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा आज आपके चौथे दिन के इस भागवत देवी भागवत में जो है आपने राजा परीक्षित की कथा और कैसे आस्तिक बचा और जाकर के कैसे उसने जाकर के जन्मेजय ने अपने यहाँ व्यास महाराज जी के द्वारा देवी याग को प्रारंभ किया है, तो ये नवाह यज्ञ इस पावन भूमिया के पावन प्रांगण पर जाकर के जो ये चल रहा है, इसका चौथा दिन है। मैं प्रार्थना करूंगा कि समय जैसे हमारी माताएं दूर दूर, अभी पता नहीं का पता किया भी होगा कोई बात नहीं, अभी तो 4 दिन तो और हैं जीवन के हमारे, जाकर के कथा सुनने के 5 दिन और हैं, तो उसमें कथा सुनने जरूर आओ। 2 बजे से कथा हो रही है। अत्यधिक से अत्यधिक आइए, अपने जीवन को सफल बनाओ, कल्याण करो। मैं आपको बता रहा हूं मानव जन्म हमको ऐसे ना मिला है, ऐसा जन्म हमको फिर ना मिला है, ऐसा जन्म हमको फिर ना मिलेगा। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, अपनी वाणी में हमारी पैगो शिवालय न तो शिवालय न तो शिवालय न तो शिवालय न तो बोले सुनते हैं हम कि हम तुमको शिवालय न तो शिवालय न तो शिवालय न तो।
शिवालय न जो शिवालय न जो शिवालय न जो मैं भगवान की कथा आपको बता रहा हूं। आज चौथे गुरु की जो है सुन रहे हैं, जिसे मोक्ष मिल जाए, जिसे मेरी पिता को सत्य प्राप्त हो जाए, वही कथा आज आपने चतुर्थ दिवस में यहाँ राजा परिचित की कथा सुनी और आस्तिक का वर्णन सुना। क्योंकि समय भी होते जा रहा है, मैं परम पिता परमात्मा से, सभी हमारे भाई बंधु जितने भी कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं, उनकी ये भगवती उनको जाए जाकर के जो है दीर्घायु दे, उनकी मनोकामना पूर्ण करे और ऐसी कथाओं को फिर वो सुनते रहे। फिर कल वही 2 बजे से हम भगवान की कथा आपको पुनः फिर श्रवण करवाएंगे। यहाँ पर हमारे दूर से हमारे ये माता जी जिनके अंग आती है यहाँ पर आई है, मंगाई जी आए हुए हैं, उनकी बहने है ना, आप तो बहन है ना, अच्छा अच्छा जो भी है फिर वो यहाँ पर आए हमारे व्यास पीठ। और क्या कर सकते, वो लोग इतने दूर से आए, हम तो घर से नहीं आ सक रहे हैं, हम नजदीक से। तो मेरी व्यास पीठ आपका बहुत बहुत साधुवाद देती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है महाराज, आप इतने दूर से आए हैं। मेरी माता है जो भी दूर दूर से आए उनका बहुत बहुत साधुवाद मेरे भाई बंद। और मैं पुनः कथा आरती से पहले मैं श्री मान जगत सिंह जी बापूनी जी से करुणा करो